हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, एक व्यूअर है जिन्होंने मुझसे पूछा, सर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें आना हो तो बता देना, अगर तुमने सुना हो तो बता देना, अगर तुमने देखा है तो बता देना। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट है, अगर तुम्हें आना हो तो, उसके बाद सेकेंड पार्ट है बता देना। तो बता देना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में अलग अलग फ्रेज का यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल तरीका बोलूं तो मैं, आप बोल सकते हैं टेल मी, अगर हमें बता देना टेल अस। इसके आगे डू लगा देंगे तो वो सेंटेंस में जोर पड़ जाता है, मुझे बता ही देना। डू टेल मी या डू टेल अस में से को एक लगाना पड़ेगा, या नहीं तो आप लगा सकते हैं लेट मी नो। लेट मी नो अगर हमें है तो लेट अस नो। लेट मी नो या लेट अस नो में कोई भी एक लगाइएगा, या नहीं तो डू टेल मी डू टेल अस। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इफ। इफ को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्योंकि सामने वाले से पूछेंगे तो यू ही आएगा। यू को लगाने के बाद वांट टू लगाएंगे। वांट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर सेंटेंस नेगेटिव में बोलना चाहते हो तो क्या बोलिएगा, पहला वाला पार्ट आपका सेम रहेगा। इफ के बाद आपको लिखना पड़ेगा यू डोंट वॉन्ट टू। यू डोंट वॉन्ट टू के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर थोड़ा बदल भी सकता है, आपको सेंटेंसेस से और भी क्लियर होंगे। तो आज का पहला सेंटेंस है, अगर तुम्हें आना हो तो बता देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डू टेल मी इफ यू वॉन्ट टू कम, डू टेल मी इफ यू वॉन्ट टू कम, या नहीं तो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू कम, लेट मी नो इफ यू वाना कम। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुमने सुना हो तो बता देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डू टेल मी इफ यू लिसनड, डू टेल मी इफ यू लिसनड, या नहीं तो लेट मी नो इफ यू हर्ड, लेट मी नो इफ यू हर्ड। हर्ड का मतलब भी था सुना, और लिसन का मतलब भी होता सुना, यहाँ पर बी टू है लिसनड। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुमने देखा है तो बता देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डू टेल मी इफ यू सॉ, डू टेल मी इफ यू सॉ, यानी तो लेट मी नो इफ यू वॉच्ड, वॉच्ड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। वॉन्ट टू वाला सेंटेंस होगा जैसे आना जाना, अगर ये सब रहेगा तब लगेगा वॉन्ट टू वाला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम्हें जाना हो तो बता देना, अब यहाँ पर लगेगा वॉन्ट टू। जैसे कि डू टेल मी इफ यू वाना गो, डू टेल मी इफ यू वाना गो, या नहीं तो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हें ना पसंद हो तो मुझे बता देना। और चलिए यहाँ पर हमें बता देना बनाते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डू टेल अस इफ यू डोंट लाइक, डू टेल अस इफ यू डोंट लाइक, या नहीं तो लेट अस नो इफ यू डोंट लाइक, लेट अस नो इफ यू डोंट लाइक। दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट की जाट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलो मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ या कुछ बताता हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। भले ही सेंटेंस थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा हो, यहाँ पर लेट्स गो नहीं लगाएंगे, चलो के लिए, या सेंस समझिए। इन सभी सेंटेंसेस के लिए आप इसको लेट के साथ बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले लगाएंगे लेट। लेट को लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सभी सेंटेंस में मैं आया है सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो लेट मी हो जाएगा। अगर लेट मी को मिलाइएगा तो लिमी या लमी पढ़ते हैं, गॉट इट। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा जैसे कि हिम, हर, अस, देम, दियर या कोई नाम, वो भी आ सकता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार बताया है, हिंदी में अलग अलग तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, बट सेंस के हिसाब से इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, बोलते हैं ना। और जब यही सेंटेंस मैं आपको इंग्लिश में बोलने बोलूँ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको कैसे बनाएं। तो इस सेंटेंस के लिए आप सिंपली कह सकते हैं लेट मी ड्रॉप यू होम, लेट मी ड्रॉप यू होम, मीन्स चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग, शॉर्ट बोलेंगे तो लिमी टेल यू समथिंग, लेट मी को मिला देंगे लिमी टेल यू समथिंग।
नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू, लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू। ब्रिंग की जगह गेट भी लगा सकते हैं, लेट मी गेट समथिंग फॉर यू। या आप कह सकते हैं लेट मी गेट यू समथिंग, लेट मी गेट यू समथिंग, लेट मी टेक यू समथिंग भी कर सकते हैं। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट की याद कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।